दुनिया रही जिसमें पल, दुनिया रही जिसमें पल, माँ की ममता का वो आंचल, कर देती धन्य ये दुनिया, बरसाती कृपा के बादल। माँ की महिमा अद्भुत माया अजब न्यारी है माँ, ये मैं ही नहीं कहती ये दुनिया सारी है। माँ की महिमा अद्भुत माया अजब न्यारी है माँ, ये मैं ही नहीं कहती ये दुनिया सारी है। दुनिया रही जिसमें पल, माँ की ममता का वो आंचल, कर देती धन्य ये दुनिया, बरसाती कृपा के बादल। माँ की महिमा अद्भुत माया अजब न्यारी है माँ, ये मैं ही नहीं कहती ये दुनिया सारी है, ये मैं ही नहीं कहती ये दुनिया सारी है। ऐसा है रूप मन भावन जो परे है उपमाओं से, ऐसा है रूप भावन जो परे है उपमा से, ऐसा है रूप मन भावन जो परे है उपमाओं से, ऐसा है रूप भावन जो परे है उपमाओं से। सबने पाई है छाया इन चरणों की छाओं से, सबने पाई है छाया इन चरणों की छाओं से, सबने पाई है छाया इन चरणों की छाओं से, सबने पाई है छाया इन चरणों की छाओं से। देहो तनुज त्रिपुरारी हो भूप या भिखारी, संसार में सभी हैं बस आपके पुजारी। माँ की महिमा अद्भुत माया अजब न्यारी है माँ, ये मैं ही नहीं कहती ये दुनिया सारी है, ये मैं ही नहीं कहती ये दुनिया सारी है, ये मैं ही नहीं कहती ये दुनिया सारी है। जो चल रही ये सांसें है देन आपकी दाती, जो चल रही ये सांसें है देन आपकी दाती, है कृपा आपकी दुनिया जो बोल देख सुन पाती, है कृपा आपकी दुनिया जो बोल देख सुन पाती। जो चल रही कहती ये दुनिया सारी है, ये मैं ही नहीं कहती ये दुनिया सारी है। करो माँ की साधना ये जीवन का सार है, करो माँ की साधना यही जीवन का सार है, रोती हुई मानवता की ये पुकार है। करो माँ की साधना ये जीवन का सार है, रोती हुई मानवता की ये पुकार। जाति और धर्म की ये लड़ाई बेकार है, जाति और धर्म की ये लड़ाई बेकार है, रोती हुई मानवता की ये पुकार। मन से तो देख जननी है एक हम सबको रचाने वाली, जीवन को चलाने वाली,
मन से तो देख जननी है एक हम सबको रचाने वाली जीवन को चलाने वाली संप्रदाय की जातिवाद की संप्रदाय की जातिवाद की अब तोड़ो जो दीवार है धोती हुई मानवता की पुकार करो माँ की साधना ये जीवन का सार है धोती हुई मानवता की पुकार रोती हुई मानवता की पुकार है हर जीव दस्त कष्टों से ग्रस्त है व्यथित सभी जीवन से और दुखी है तन मन धन से हर जीव त्रस्त कष्टों से ग्रस्त है व्यथित सभी जीवन से और दुखी है तन मन धन से दुख की है रैन कहीं नहीं चैन दुख की है रैन कहीं नहीं चैन कलिकाल का ऐसा प्रहार है रोती हुई मानवता की पुकार करो माँ की साधना ये जीवन का सार है रोती हुई मानवता की पुकार सब भेद भुला ये पथ है खुला जो माँ के दर तक जाना जो दर है सब का ठिकाना सब भेद भुला ये पथ है खुला जो माँ के दर तक जाना जो दर है सब का ठिकाना चाहे भटक कहीं जाना है वहीं चाहे भटक कहीं जाना है वहीं वहीं पर सबका उद्धार है रोती हुई मानवता की पुकार करो माँ की साधना ये जीवन का सार है रोती हुई मानवता की पुकार शक्ति अपार मुक्ति का द्वार जो संग में अपने लाए ऋषिराज धरा पर आए शक्ति अपार मुक्ति का द्वार जो संग में अपने लाए ऋषिराज धरा पर आए यहाँ जगत झुका अब हो ही चुका यहाँ जगत झुका अब हो ही चुका होना था जो अवतार है रोती हुई मानवता की पुकार करो माँ की साधना ये जीवन का सार है रोती हुई मानवता की पुकार जाति और धर्म की ये लड़ाई बेकार है रोती हुई मानवता की पुकार है रोती हुई मानवता की पुकार है रोती हुई मानवता की पुकार हर कहीं तुम ही तुम हो मेरी भैया हर कहीं तुम ही तुम हो मेरी मैया क्षिति नभ में पवन पावक जल में बल बन के समाई निर्बल में पले जग ममता के आंचल में मेरी मैया हर कहीं तुम ही तुम हो मेरी मैया हर कहीं तुम ही तुम हो मेरी मैया
जीव कोई भी पल नहीं सकता, तुम बिन जीवन चल नहीं सकता। नभ में चांद निकल नहीं सकता और सूरज भी ढल नहीं सकता। अविनाशी में और नश्वर में, गुरुद्वारे मस्जिद मंदिर में, दानव मानव और ईश्वर में, मेरे भैया हर कहीं तुम ही तुम हो। मेरे भैया हर कहीं तुम ही तुम हो। मेरी मैया शक्ति भरती लाचारों में, सुख भर देती दुखियारों में, बनती उजाला अंधियारों में, गूंज रहा जग जयकारों में, तुम भावों में अभी जगती में, ऋषियों मुनियों की भक्ति में, तुम शक्ति बनी हर शक्ति में, मेरी मैया हर कहीं तुम ही तुम हो। मेरी मैया हर कहीं तुम ही तुम हो। मेरी मैया सुनो सुनो धरती पर, भैया हैं एक ऋषि महान जो करते जन जन का कल्याण। ना ले कर देते जग को भक्ति शक्ति और ज्ञान जो करते जन जन का कल्याण। धर्म का भेद मिटाते सबको अपनी शरण बुलाते, निर्धन हो धनवान सभी पर करते कृपा समान जो करते जन जन का कल्याण। बता रहे हैं ऋषिवर ज्ञानी, जन जन की है इष्ट भवानी, बता रहे हैं ऋषिवर ज्ञानी, जग को बताई गुरुवर ने माँ की भक्ति आसान जो करते जन जन का कल्याण। सुनो सुनो धरती पर भैया है एक ऋषि महान जो करते जन जन का कल्याण। सुनो सुनो धरती पर भैया
है सदगुरु धरा के। ये तो ऋषि ऋषि परंपरा के यही तो है सदगुरु धरा के। तू भी इनको जान ले कर गुरु सत्ता का गुणगान जो करते जन जन का कल्याण। करते जन जन का कल्याण। कुछ ना लेकर देते जग को भक्ति शक्ति और ज्ञान जो करते जन जन का कल्याण। धरती पर भैया गुरुवर जी के द्वार सा ठिकाना पा गया मैं तो गुरु रूप में खजाना पा गया। गुरुवर जी के द्वार सा ठिकाना पा गया मैं तो गुरु रूप में खजाना पा गया। शक्ति ज्ञान भरा गुरुवर के खजाने में देर भी ना करते गुरुवर भक्तों पर लौटाने में। भक्ति शक्ति ज्ञान भरा गुरुवर के खजाने में देर भी ना करते गुरुवर भक्तों पर लौटाने में। ध्यान अब तो चरणों में लगाना गया मैं तो गुरु रूप में खजाना पा गया। गुरुवर जी के द्वार सा ठिकाना पा गया मैं तो गुरु रूप में खजाना पा गया। गुरुवर अपनी कृपा का खजाना जो लुटाते हैं भक्त बनकर आते हैं वो लूट के ले जाते हैं। गुरुवर अपनी कृपा का खजाना जो लुटाते हैं भक्त बनकर आते हैं वो लूट के ले जाते हैं। मुझे को ये लूट ना लुटाना भाग गया मैं तो गुरु रूप में खजाना पा गया। वो खजाना जिसका कोई मोल ना जी भर के तू लूट ले बस जय माता की बोलना। ये है वो खजाना जिसका कोई मोल ना जी भर के तू लूट ले बस जय माता की बोलना। तो शेरों वाली को बुलाना आ गया मैं तो गुरु रूप में खजाना पा गया। गुरुवर जी के द्वार सा ठिकाना पा गया मैं तो गुरु रूप में खजाना पा गया।
रिश्ता महान है, जोड़ ले जो रिश्ता है वो बड़ा भगवान है। गुरु और शिष्य का ये रिश्ता महान है, जोड़ ले जो रिश्ता है वो बड़ा भगवान है। अब तो सोए भाग भी जगाना आ गया, मैं तो गुरु रूप में खजाना पा गया। पर जी के द्वार सब ठिकाना पा गया, मैं तो गुरु रूप में खजाना पा गया। मैं तो गुरु रूप में खजाना पा गया, मैं तो गुरु रूप में खजाना पा गया, मैं तो गुरु रूप में खजाना पा गया। जो सोई थी जागी है किस्मत हमारी, शरण जब से गुरुवर जी पाई तुम्हारी। जो सोई थी जागी है किस्मत हमारी, शरण जब से गुरुवर जी पाई तुम्हारी। ये अनमोल जीवन भी यूं ही बिताते, हो जाते जहां में जो तुमको ना पाते। ये अनमोल जीवन भी यूं ही बिताते, हो जाते जहां में जो तुमको ना पाते। कटे सारे संकट मिटी विपदा सारी, शरण जब से गुरुवर जी पाई तुम्हारी। जो सोई थी जागी है किस्मत हमारी, शरण जब से गुरुवर जी पाई तुम्हारी। माँ अम्बे की महिमा को तुमसे ही जाना, ये जाना मदर है सभी का ठिकाना। माँ अम्बे की महिमा को तुमसे ही जाना, ये जाना मदर है सभी का ठिकाना। बने हम भी माँ चरणों के पुजारी, शरण जब से गुरुवर जी पाई तुम्हारी। जो सोई थी जागी है किस्मत हमारी, शरण जब से गुरुवर जी पाई तुम्हारी। अंधेरे जो इस मन में डेरा थे डाले, जले भक्ति दीपक तो हो गए उजाले। अंधेरे जो इस मन में डेरा थे डाले, जले भक्ति दीपक तो हो गए उजाले। हरे तुमने जीवन के दुख कष्ट भारी, शरण जब से गुरुवर जी पाई तुम्हारी। जो सोई थी जागी है किस्मत हमारी, शरण जब से गुरुवर जी पाई तुम्हारी। तुम्हारे ही दर हमने आकर ये जाना, कर्तव्य पालन में जीवन बिताना। तुम्हारे ही दर हमने आकर ये जाना, कर्तव्य पालन में जीवन बिताना। चले सत पथ हम बन के परोपकारी,
शरण जब से गुरुवर जी पाई तुम्हारी, जो सोई थी जागी है किस्मत हमारी। शरण जब से गुरुवर जी पाई तुम्हारी, गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं। गुरुवर जैसी कृपा लुटाना बात नहीं। गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं। गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं। शीतलता दे गुरुवर, क्या देते हैं शीतलता। अगली पंक्ति पर श्रोता ध्यान देना। कैसी शीतलता दे खुद जल जाना। गुरुवर जलते हैं तब की अग्नि में, महाशक्ति यज्ञों में, तब जाकर हमारे घरों में सुख शांति समृद्धि आती है। शीतलता दे खुद जल जाना सबके बात। गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं। गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं। अनुष्ठान कथा यज्ञ भागवत होती है और होनी चाहिए, ये हमारी सत्य सनातन संस्कृति है। पर जो भी पूजनीय दीदी जी ने कहा था कि आत्मसात करें, मेरी अगली पंक्ति पर ध्यान दें कि अनुष्ठान कथा यज्ञ भागवत लाखों होती दुनिया होती दुनिया में, लाखों होती दुनिया में, लाखों होती दुनिया। हमने कहा आवाज दबी पे मत जाना, शब्दों पे ध्यान देना। अनुष्ठान कथा यज्ञ भागवत लाखों होती दुनिया में, लाखों होती दुनिया में, लाखों होती दुनिया में, दुनिया में। पर अनुष्ठान कथा यज्ञ भागवत लाखों होती दुनिया में, मेरा कहना पर महाशक्ति यज्ञ रचाना, पर महाशक्ति यज्ञ रचाना सबके बस बात नहीं। गुरुवर जैसी लुटाना सबके बस की बात नहीं। गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं। अगली पंक्ति, योगी साधु और सन्यासी देखो अनेकों दुनिया में, देखो अनेकों दुनिया में, देखो अनेकों दुनिया में, देखो अनेकों दुनिया में। हम सभी साधु संत सन्यासियों को वंदन नमन करते हैं, अनेकों साधु संत हैं, पर जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान देना। के योगी मुनि साधु सन्यासी देखो अनेकों दुनिया में, पर अग्नि के पथ पर चल जाना, अग्नि के पथ पर चल जाना सबके बस की बात नहीं। गुरु
लुटाना सबके बस की बात नहीं, गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं। गीत को लंबा है, संक्षिप्त में निपटाऊंगा क्योंकि हमारे और भाई बैठे अभी भजन गाने के लिए। अगली पंक्ति सुने आप दिल थाम कर, मैंने चार पंक्तियां लिखी थी लोकेंद्र भाई सीमा पे जो सैनिक, आज जब हम यहाँ दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हमारा सैनिक अपने बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़कर अभी खून बहा रहा है, तब हम यहाँ सुरक्षित बैठे। मेरी चार पंक्तियां थी कि ना हिंदू के लिए लड़ते हैं, ना मुसलमान के लिए लड़ते हैं, ना गीता के लिए लड़ते हैं, ना कुरान के लिए लड़ते हैं, ना उपाधि के लिए लड़ते हैं, ना सम्मान के लिए लड़ते हैं, हम नमन करते हैं वीर सपूतों को जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लड़ते हैं। अगली पंक्ति देखें आप, के भारत माता मेरी माता, भारत माता मेरी माता, ये तो सब कहते रहते, 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 ये तो सब कहते हैं कि भारत माँ मेरी माता। भ्रष्टाचारी राजनेता कहते हैं, अधर्मी धर्म गुरु कहते हैं, सब कहते हैं भारत माता मेरी माता, ये कहना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है अगली पंक्ति सुने आप, के भारत माता मेरी माता, ये तो सब कहते रहते, पर मातृभूमि पर प्राण गंवाना, मातृभूमि पर प्राण गंवाना सबके बस की बात, गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं, गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं। और अंतिम पंक्ति, नाम किसी का नहीं लूंगा लेकिन सब समझ जाए, नाम किसी का नहीं लूंगा मैं, बड़ी प्यारी पंक्ति है। आजकल समाज में जैसे बरसात में नहीं वो छत्ता वाले क्या कहलाते हैं, वो ग्रुप है, एक महोदय ठीक है चलो वो अलग रहता है। सुने अगली पंक्ति, जब साधना करते हैं तो सिद्धियां मिलती हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं, गुरुदेव जी कहते साधना करो सिद्धि मिलेगी, उन सिद्धियों का उपयोग क्या कर रहे हैं। एक संत ने पूरे जीवन भर तपस्या की और शक्ति आई, अब शक्ति का आनंद देख रहे हैं आप, पानी गिर रहा था बोले रुक जा, रुक गए, समाज का क्या हित हुआ भाई, गर्मी थी बहुत गर्मी, गर्मी किसकी कृपा से, माँ की कृपा से, ठंड किसकी कृपा से, माँ की कृपा से, बरसात की कृपा से, माँ की कृपा से, प्रकृति के कार्य में रुक छेड़ नहीं करनी चाहिए, वही कर्तव्य है। गर्मी आई बोले पानी बरस गया, पानी बरस गया, शक्ति सब चली गई, खट्टू नहीं बचा, ये प्रकृति के नियमों के विपरीत, गुरुवर कहते हैं कभी प्रकृति से छेड़छाड़। सुने पंक्ति, बड़ी मजेदार पंक्तियां है, कोई खपी सा भगा रहा है, ये सिद्धियां खप्पी था भगाने वालों को, जब गुरुवर ने कहा भैया ने तो नाम ही ले लिया, मैंने कहा थोड़ी सी बात, गुरुवर ने कहा कुछ मत करो, ठंड में बस एक वस्त्र के भर रह जाओ, तुमने एक दिन प्रयास किया कि चलो गुरुजी ने कहा है, बोले हम चैलेंज स्वीकार करते हैं, तो गुरुजी ने कहा चैलेंज बाद में करना, पहले एक हफ्ते या ठंड में एक कपड़ा के बगैर रह लो, तो एक ही कपड़ा पहनो जो पहने, तो उनने स्वेटर नहीं पहना, जर्सी नहीं पहनी, उनको ऐसी सर्दी हुई, ऐसा जुकाम हुआ,
ये सिद्धियां हैं बताइए आप, तो इसलिए मैंने लाइन लिखी है कि साधना करके सिद्धियों को तो कोई भी पा सकता है, कोई भी पा सकता है, कोई भी पा सकता है, कोई भी पा सकता है। साधना करके सिद्धियों को तो कोई भी पा सकता है, लेकिन अब ध्यान आ जाएगा मैं कहां की बात कर रहा हूं, अभी कहां की वो समझ गए। अब अगली पंक्ति सुने आप, साधना करके सिद्धियों को तो कोई भी पा सकता है, लेकिन परमा को साकार बुलाना। किसने बुलाया माँ को साकार? गुरुदेव भगवान ने अपनी तपस्या के बल पर। परमा को साकार बुलाना सबके बात नहीं, गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं, गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं, गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं, गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके